YouTube channel as Aura. Aura. So I was getting a comment of what all books are required for the first year of BTS. तो जब मैं मेरी स्टोरी की बात करूँ कि आई वॉज नॉट एट ऑल इन टू BTS, बचपन से ही BTS का तो मुझे पता ही नहीं था. तो एक ही था कि डॉक्टर, नहीं तो कुछ और. ठीक है, घर पे दे लाइक इंजीनियर डॉक्टर, पर मुझे तो इंजीनियर बिल्कुल पसंद नहीं था. तो एनीथिंग ऑफ मेडिकल फील्ड. तो कैसे, तो यू नो लाइफ गाइड्स यू टू द वे दैट इट वॉन्ट्स. ऐसे आई लैंडेड टू BTS. And I was also very confused कि I didn't know anything. मेरे family के background में भी no one are like dentists or doctors. So मुझे भी बहुत difficult हुआ था. I saw YouTube's video like this and today I'm making one. Let's see. So I'll be guiding you like the whole things like you need in BTS and hope it's helpful to you. Starting with, so you'll be having four subjects in first year. First one, we'll start with human anatomy, general physiology, biochemistry and DHH. तो ये जो anatomy, physiology और biochemistry है ना, ये सबके लिए सेम है. लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल, फिजियोथेरेपी एंड anything that you can think of. वैसे as dental students we'll be having DHH as the like proper dental का subject. So DHH stands for Dental Anatomy, Dental Histology. उसमें भी histology is like the microscope वाले things with H&E stains. You'll be introduced to H&E stains. बहुत costly आते हैं, ठीक है. And you have to draw बहुत patient. First of all, okay, second of all, आपको dental ऐसे join करना है. अगर आप join करने वाले ऐसे सोच रहे हो कि join करना है, then you should be having so much patience to draw each and everything, and आपको carving भी करना पड़ेगा like a tooth. So patience is the first thing that you should have if you want to join BTS. Okay, फिर join करना. हाँ, so I was telling dental anatomy में tooth का drawing करना पड़ेगा like 2Ds, and histology में you have to draw in H&E stain, that is the pink and purple pencil से you have to draw what all you see in the microscope. ओके, पर आपको जो और एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा दैट इज DM, डेंटल मटेरियल्स. इसका आपको कोई एग्जाम नहीं देना है फर्स्ट ईयर में आके, पर इसका एग्जाम होगा सेकेंड ईयर में. तो आपको डेंटल मटेरियल्स का क्लास में क्या करना है, मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर मोल्ड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड मैक्सिला मैंडिबल का कैस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा. यू हैव टू पेंट इट, ऐसा सब बहुत होगा दैट यू हैव टू डू. एंड अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होता है, प्लीज़ अटेंड करना, क्योंकि इसका अटेंडेंस ही हमको सेकेंड ईयर में जाके एग्ज़ाम देना है कि नहीं वो डिसाइड होगा. ओके, दिस इज़ द एडिशनल फिफ्थ सब्जेक्ट दैट यू विल बी हैविंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द बुक्स फ्रॉम वेयर यू हैव टू गेट इट, then I was guided to go to Avenue Road as I studied in Bangalore. यहाँ पर एक Avenue Road करके है, तो मैं वहाँ पर गई थी. वहाँ पर सेकेंड हैंड में बुक्स मिल जाता है और एवरेज प्राइस यू गेट इट, ओके, हाफ ऑफ द प्राइस. सो द फर्स्ट बुक इज द ह्यूमन एनाटमी. सो मैंने सिक्स्थ एडिशन वाला लिया है. आपको जो एडिशन चाहिए वो ले लीजिए. मुझे सिर्फ सिक्स्थ एडिशन का ही मिला था, बट आई वॉज क्वाइट लकी एज मुझे इसमें नर्व्स का पार्ट भी मिल गया था. लाइक अदर्स इन माई क्लास हैव टू बुक्स, दे हैव टू कैरी टू बुक्स, बट वन बुक में मेरा सब है, तो मैं उसमें थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ. आई पुट अ बुक पिक्चर ऑफ द बुक हियर सो यू कैन रेफर. सेकेंड बुक दैट इज अ लिटिल टॉर्चर फॉर यू गाइस इज द सत्यनारायणा बायोकेमिस्ट. तो मेरी मैम ने ना इतने बार रिपीट करके बोला था कि सत्यनारायण, यू सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री एंड नॉट एसेंशियल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री. यू हैव टू बाय ओनली बायोकेमिस्ट्री, नॉट एसेंशियल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री. दिस इज वॉट माई मैम हैड टोल्ड मी. एंड ये तो बहुत ही बड़ा बुक है एंड केमिस्ट्री तो आई डोंट लाइक,
बायोकेमिस्ट्री में भी सिर्फ केमिस्ट्री। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आज कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। और क्या ही होगा, तो दिस इज द सेकंड बुक बायोकेमिस्ट्री। अगेन आई विल बी पुटिंग अ पिक्चर हियर। थर्ड वन इज डेबेसिस प्रमाणिक, व्हाट डू यू कॉल इट, फिजियोलॉजी का। एंड इसमें ना बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, लंबा लंबा दिया है। यू कैन प्रेफर द बुक्स दैट योर लेक्चरर्स टेल व्हेन यू जॉइन द कॉलेज, बट इसका छोटा वर्जन भी है, दैट इज सोमन मन्ना। दिस वन सोमन मन्ना, इसमें ना दिस इज द रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी, तो सब छोटे छोटे में यू गेट इट। बट इसमें एक एक दो कुछ तो चैप्टर्स नहीं होगा, आई थिंक ब्लड वगैरह नहीं होगा यहाँ पर, बस उतना ही। द थर्ड वन ग्लव्स, इसमें यू गेट ऐसे टूथ के डायग्राम्स जहाँ यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर ऑब्जर्वेशन बुक एंड गेट इट साइन। वो अलग सा नाटक है। ओके, इसमें जैसे कि इंसाइजर्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स, सेंट्रल, लैटरल, ऐसे सब कुछ इसमें है। एंड उसका मेजरमेंट्स, क्या बोल, मेजरमेंट्स, क्रोनोलॉजी, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें दैट इज द ऑर्गन्स, ओरल हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, आपको थियोरी पार्ट ज़्यादा है। इन रिमेंबर इन डी ए वी हैव मोर ड्रॉइंग्स एंड फीचर्स, वेर एज इन ओरल एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी वी हैव टू राइट थियोरी। डी ए डी एच विल बी योर लॉन्गेस्ट पेपर ऑफ ऑल द पेपर्स इन द फर्स्ट ईयर। ओके, एनाटॉमी भी कैसे भी हो जाएगा, पर डी ए डी एच ना वो 3 आवर्स में भी लिखते 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 खत्म ही नहीं होगा। ओके, आई वॉन्ट टू शो यू अ रैंडम पिक्चर ऑफ ओरल एम्ब्रियोलॉजी बुक। दिस इज ओके, सो आपको प्रैक्टिकल्स में यू हैव टू कैरी डी ए डी एच बोथ। वेट, यू हैव माजी जोस ऑल्सो, वेट एंड ब्रिंग। This is all about the first year, guys. I'll write it in the description also कि क्या क्या books चाहिए होगा। Any other queries, you can write it in the comment section. Okay? Like, share, subscribe.